अभी हम को देते हैं, है ना? बताओ बताओ कि या फिर रोड ये सब हम कंप्यूटर से पूछते हैं ना सो ये जो वाला हम पूछते हैं उन्हें सब कहते हैं क्वेरीज अभी डेटाबेस में क्वेरीज का दूसरा मीनिंग होता है ये क्वेरीज क्यों क्रिएट किया जाता है कि डेटा बेस इज अ वेरी प्लेस ओके यू हैव सो मच ऑफ डेटा इन साइड जब जो कुछ डेटा को मुझे देखना है सिर्फ उसे मैं रिक्वेस्ट करके ले सकती हूं बाहर सो so, इसके लिए कहते हैं क्वेरी भेजना। वेन यू आस्क फॉर अ क्वेरी यू गेट अ रेस्पॉन्स ओके सो जो सिलेक्टेड डेटा मुझे चाहिए सिर्फ वो डेटा का कंडीशन देखे मैं उसे देख सकती हूँ इंस्टेड ऑफ सीइंग दायर एंटायर डेटाबेस जिसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा और राइट सो यू विल ऑलवेज सिलेक्ट डेटा अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशन एंड रिट्रीव डेटा रिट्रीव का मतलब है गेटिंग डेटा फ्रॉम द डेटा बेस और राइट सो आज हम देखने वाले हैं कैसे एक क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं इसका तो पहला एक कंडीशन है हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था ये वी विल यू हैव टू रिलेट टेब फॉर क्वेरी हमें एक टेबल चाहिए न दो टेबल से हमें जो डेटा चाहिए उसके लिए हमें टेबल्स को रिलेट करना पड़ेगा और राइट सो so, आज देखेंगे टेबल्स क्रिएट करेंगे और उन टेबल से हम कैसे क्वेरी को जनरेट करेंगे वो भी हम आज देखने वाले हैं और राइट और ये क्वेरी का दो डिफरेंट टाइप्स है एक है क्वेरी विजार और दूसरा है क्वेरी डिजाइन सो so, पहले आज हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं क्वेरी विजार्ड पर सो so, उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले तो हमें टेबल्स क्रिएट करना पड़ेगा और right? अंदर देखते हैं स्टार्ट योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड क्रिएट अ डेटाबेस लेट्स गेट इन टू द डेटा बेस नाउ सो वी हैव द डेटा बेस रेडी हियर ओके सो अभी डेटाबेस में क्या है मुझे एक टेबल क्रिएट करना है मुझे तो आ, हम लोग एक काम करते हैं टेबल डिजाइन में जाके टेबल क्रिएट करते हैं वही हमें इसी लग रहा है ना लास्ट सेशंस में तो हम लोगों ने टेबल डिजाइन से टेबल क्रिएट किया था सो लेट्स द टेबल डिजाइन अभी क्रिएट करते हैं नॉर्मल सा टेबल डिजाइन क्रिएट करते हैं रोल नंबर ओके उसके बाद वो डेटा टाइप क्या होगा रोल नंबर का नंबर ही हो गया है ना शॉर्ट टेक्स तो नहीं होंगे रोल नंबर तो नंबर में रहेगा और डिस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी मैंडेटरी यस फील्ड पर दिया है उसका क्या मतलब है इम्पोर्टेंट okay? so, होगा रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ओके उसके बाद हम देखने देने वाले हैं स्टूडेंट का नाम सो so, हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम एस टी नेम लिखते हैं क्योंकि नेम इज अ कीवर्ड नेम यूज करना नहीं देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस याद है ना आपको सो वी हैव टू राइट इट नेम और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट क्योंकि हम लोग तो आज ए बी सी ही नेम करने वाले हैं ओके सो शॉर्ट टेक्स्ट रहने दो और बोलो कि नेम ऑफ द स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन किसके लिए लिखते हैं आफ्टर टेन इयर्स इफ यू आर गोइंग टू सी द डेटाबेस आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसके लिए हम लोगों ने फील्ड नेम ऐसे दिए हैं सो टाइम वी नीड टू नो वॉट इट एक्चुअली मीन्स और टेन ईयर्स के बाद तो नहीं है आप अपने फ्रेंड के साथ ये डेटाबेस को शेयर करते हैं तो वो फ्रेंड को भी पता चलना चाहिए कि, कि किसके लिए ये फील्ड का नाम ऐसे है सो दैट्स द रीजन डिस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो आप देखने वाले हैं एज ऑफ द स्टूडेंट एज किस में रहेगा नंबर में रहेगा राइट सो नंबर में रहेगा और मैं यहां पर लिखने वाली हूं एज ऑफ द स्टूडेंट राइट सो यह बन गया है हमारा बेसिक टेबल और राइट सो अभी मुझे प्राइमरी की सेट करना है यस yes, याद है आपको सो वंस यू क्रिएट अ टेबल इमीडिएटली और नेक्स्ट स्टेप विल बी सेटिंग अप अ प्राइमरी सो पहले सेव कर दो टेबल को टेबल को कैसे सेव करेंगे स्टूडेंट रोल है ना एस टी सेव कर देते हैं और ओके क्लिक कर देते हैं ओके ऑल दो की इज इन रिक्वायर्ड इट इज हाईली रिकमेंडेड अ टेबल मस्ट अ प्राइमरी की फॉर यू टू डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस टेबल एंड द अदर टेबल्स इन द डेटा बेस डू यू वॉन्ट टू क्रिएट अ प्राइमरी की नाउ यस आई वॉन्ट टू ये तो मुझे नहीं चाहिए आई एम गोइंग टू डिलीट दिस सो इसे हम प्राइमरी की बन दे, बना देंगे ओके सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एंड सेट प्राइमरी की सो प्राइमरी की क्लिक करने से ही क्या हो गया वहां पे यू हैव अ अल्लो की क्रिएटेड सो दैट दैट मींस ये जो रो है ये जो रिकॉर्ड है ये जो फील्ड है इसमें आपको सिर्फ यूनिक वैल्यूज रखना चाहिए एक वैल्यू भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए समझ में आया सो आई एम सेविंग से राइट अभी एस टी टेबल पे क्लिक कर रही हूं देखा इट इज रेडी रोल नंबर स्टूडेंट नेम एज रेडी है सो so मैं यहां पे टाइप करने वाली हूं रोल नंबर वन जीरो वन स्टूडेंट नेम होगा ए एज होगा ट्वेल्व वन जीरो टू बी एज होगा थर्टीन वन जीरो थ्री सी एज होगा ट्वेल्व वन जीरो फोर डी एज होगा फोर्टीन वन जीरो फाइव ई एज होगा थर्टीन ओके सो हम लोग ने फाइव डेटा फाइव रिकॉर्ड एंटर किए हैं सो यू आर सपोज टू एंटर डेटा ओनली रिकॉर्ड वाइज ऐसे ही रिकॉर्ड एंटर करना है ऐसे वन जीरो टू थ्री फोर ऐसे सब एंटर करने की कोई यूज ही नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्ड सेव नहीं होगा ओनली वेन यू डू द लास्ट फील्ड इन द रिकॉर्ड इट गेट्स सेव ओके सो आप कभी भी डेटा को एंटर करते हो आप ऐसे ही एंटर करोगे रिकॉर्ड वाइज यू विल नॉट एंटर इट फील्ड वाइज लाइक दिस समझ में आया आपको सो नाउ वॉट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू डेटा बेस टूल ओके हम लोगों को रिलेशनशिप सेट करने के लिए क्या चाहिए वी नीड टू टेबल्स हम लोगों ने सिर्फ एक ही टेबल क्रिएट किया है और देखते हैं वेदर वी कैन डू अ क्वेरी फ्रॉम दिस टेबल और नॉट सो क्वेरी विचार क्या करता है शो द क्वेरी विजार विच हेल्प यू क्रिएट अ सिंपल क्वेरी और अ क्रॉस टैब क्वेरी डुप्लीकेट क्वेरी और फाइंड अनमेड क्वेरी सो इसका चार डिफरेंट ऑप्शन है सो क्लिक करते हैं न्यू क्वेरी देखने वाले हैं एक है सिंपल क्वेरी वही तो हम आज देखने वाले हैं यस yes? सो so, मैं क्लिक कर रही हूं ओके okay. उसके बाद आपको ये आएगा विच फील्स डू यू वॉन्ट इन योर क्वेरी अभी जो क्वेरी है क्वेरी डिस्प्ले करेगा हमें सर्टन डेटा सो so, पूछ रहा है कौन सा फील्ड चाहिए आपको डेटा देखने में मुझे सिर्फ स्टूडेंट नंबर चाहिए स्टूडेंट नेम चाहिए और एज चाहिए मुझे रोल नंबर नहीं चाहिए ओके okay? सो so, मैं ये सिलेक्ट कर रही हूं यू कैन चूज फ्रॉम मोर देन वन टेबल और क्वेरी हमें तो अभी एक ही टेबल यूज कर रहे हैं क्वेरी के लिए दैट्स अ सिंपल क्वेरी वी आर डूइंग सो सिर्फ एक टेबल से हम लोग वी आर टेकिंग टू डिफरेंट कॉल फील्ड कौन सा कौन सा फील्ड स्टूडेंट नेम और एज ले रहे हैं सो क्लिक ऑन नेक्स्ट वुड यू लाइक अ डिटेल और समरी क्वेरी डिटेल शोज एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड यस मुझे तो चाहिए एक एक फील्ड भी चाहिए रिकॉर्ड का कंप्लीटली ओके okay? और उसके बाद क्लिक कर रही हूं नेक्स्ट वॉट टाइटल डू यू वॉन्ट फॉर योर क्वेरी अभी मैं दूंगी एज ऑफ द चिल्ड्रन एज लिस्ट क्यों मैंने सिर्फ दो ही फील्ड को डिप्ले डिस्प्ले किया है एक है स्टूडेंट नेम और दूसरा है एज ऑफ द स्टूडेंट सो इसमें से क्या मिलेगा हमें सिर्फ एज ही मिलेगा स्टूडेंट का है ना सो आई एम नेम दिस एज एज लिस्ट दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन द विजार्ड नीड्स टू क्रिएट योर क्वेरी डू यू वॉन्ट टू ओपन द क्वेरी और मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन अभी तो मुझे क्वेरी ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आई वॉन्ट ओनली द स्टूडेंट नेम एंड एज टू बी डिस्प्लेड मुझे रोल नंबर नीचे ओके सो मैं आप फिनिश क्लिक करूंगी देखा दिस इज द एज लिस्ट ओके दिस इज द एज लिस्ट ये क्यों नहीं आया वन जीरो फाइव क्यू नहीं आया हमें तो पता है एज लिस्ट तो एबीसीडी है ये एजिस तो परफेक्टली मैच हो रहा है मगर क्यों ई e नहीं आया जीरो फाइव तो आना है ना मैं क्या बोली थी आपको वेन यू डोंट फिनिश द एंटायर फील्ड एंड क्लिक दी क्या नहीं होता है दैट नेवर गेट सेव समझ में आया तो आपको सो दैट्स वी डोंट हैव ई इन द क्वेरी अभी जब आप यहां पे चेंज करोगे यहां पे खुद का नहीं चेंज होगा आपको डिफरेंट क्वेरी क्रिएट करना पड़ेगा ओके okay? सो so, इसका मतलब क्या होगा ये लिस्ट तो मैं किसी को भी दे सकती हूँ लाइक स्टूडेंट नेम होगा एज होगा ये प्रिंट आउट लेके मैं दे सकती हूँ क्योंकि रोल नंबर इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू व्यू इट उन्हें तो सिर्फ एज का डिटेल्स चाहिए है ना सो यू कैन क्रिएट अ लिस्ट लाइक दिस हाइडिंग दो फील्ड एंड गिविंग दम द लिस्ट इससे क्या होगा हमारा व्यूज बदलेंगे सो यू कैन टेक डिफरेंट फील्ड अबे सिर्फ मुझे स्टूडेंट का नेम सिर्फ स्टूडेंट का नेम चाहिए तो मैं क्वेरी विज़ार्ड में जा सकती हूं सिंपल क्वेरी विज़ार्ड क्लिक कर सकती हूं और राइट right? इसमें सिर्फ स्टूडेंट का नेम ये तो क्वेरी पे क्वेरी कर रहा है वेट सो so, मुझे स्टूडेंट का टेबल क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद क्वेरी विजार्ड ओके अभी मैं सिर्फ स्टूडेंट का नेम लेने वाली हूं मैं एक सिर्फ नेम लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ और कुछ नहीं सिर्फ नेम लिस्ट चाहिए मुझे सो नेक्स्ट प्रेस कर रही हूं और इसमें तो निकलने वाली हूं नेम लिस्ट यहाँ पे तो सिर्फ नेम लिस्ट होगा सिर्फ नाम होगा उसमें एंड फिनिश करने वाली हूँ देखा ए बी सी डी सिर्फ नाम ही आया था यस सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट डिफरेंट व्यूज इन अ क्वेरी हम लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो फील्ड्स चाहिए हमको सिर्फ वो ये फील्ड विल स्टार्ट अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ अस सो इससे क्या होगा हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा है दैट गेट सेव्ड इन साइड सो दैट नॉट बी शोन टू एनी बडी एल्स समझ में आया आपको सो दिस इज हाउ वी विल क्रिएट क्वेरीज एंड हाइड दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये करने से क्या होगा हम सिर्फ ये क्वेरी को शेयर कर सकते हैं सो द अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नो एल्स विल बी नोइंग इट समझ में आया आपको सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ क्वेरी यूजिंग क्वेरी विजार्ड एक क्वेरी विजार्ड में और भी ऑप्शन है सो okay? so, हम लोगों ने क्या सब देखा है स्टूडेंट्स आज वी हैव सीन हाउ डू यू क्रिएट अ क्वेरी दैट इज अल क्वेरी यूजिंग अ विजार्ड एंड हाउ डू यू हाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग अ न्यू क्वेरी लिस्ट ओके सो प्लीज प्रैक्टिस दिस एट योर होम एंड टाइट फॉर डिफरेंट डेटा बेसिस अभी आप प्रोडक्ट के लिए ट्राई कर सकते हो एम्प्लॉय डेटा बेस के लिए ट्राई कर सकते हो सो प्लीज ट्राई डूइंग दैट ओके सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रेन बाय बाय